हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 40x40 के साइज में लेकर, इसके बाद 40x50, 40x और आगे साइज बढ़ते जाएंगे और हम उनका वीडियो लेकर आते जाएंगे। आज मेरे पास तीन ड्राइंग है। अगर आपका 40x40 का प्लॉट है तो आप उसमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हम ये देखेंगे आज ड्राइंग के माध्यम से। तो हम सबसे पहले ये ड्राइंग समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारे पास 40x40 की, जिसमें सबसे पहले आपको एक पार्किंग मिलती है जिसका 12 फीट 9 इंच इस तरह से साइज रहेगा। यहाँ से आपको मेन गेट मिलता है और यहाँ से आपकी ऊपर स्टेयर जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक हॉल। हॉल जो है इसका साइज है 20x21x9 इंच और यहाँ से बाहर हमें एक ऑफिस, ये पूरी ड्राइंग जो है रिक्वायरमेंट पर बनाई जाती है, आप लोगों को ये जानकारी है। फ्रेंड्स, ऑफिस जो है इसका 10x4x12 फीट का साइज मिलता है और यहाँ पर एक छोटा सा टॉयलेट है जिसका साइज है 4x7 इंच। फ्रेंड्स, यहाँ से पीछे एक रूम मिलता हमें, रूम जो है इसका साइज है 14x9x9.5 इंच। अब हम ये जो है कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये 37 फीट यानी 37 फीट में हुआ है और बाकी हमने 1.5-1.5 फीट दोनों तरफ छोड़े हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। अब हम जाते हैं फ्रेंड्स इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान के ऊपर। इसका जो फर्स्ट फ्लोर प्लान है, यहाँ पर आपको अप होने के लिए स्टेयर मिल रही हैं जो कि ऊपर से डाउन होगी। अगर हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो इस हम गैलरी से कह सकते हैं या बालकनी से कह सकते हैं आप ड्राइंग रूम में जाएंगे। फ्रेंड्स, ड्राइंग रूम का साइज जो है वो है 15x9x12 फीट का और यहाँ पर हमें एक बेडरूम मिलता है जिसको हम बाहर से भी गेट दिए हैं और अंदर से भी गेट है। जो बेडरूम है फ्रेंड्स, इसका साइज है 12x11.5x7.5 इंच। अब हम यहाँ से जैसे आगे जाते हैं तो हमें एक इधर साइड डोर मिलता है अंदर के लिए और ऊपर साइड हमें एक आर्च मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें डाइनिंग मिलती है जिसका साइज है 10x8.1 इंच और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें कुछ एरिया बिल्कुल कर्सर पर ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मिलता है 10x4 फीट और सॉरी यहाँ पर मैं गलत कह दिया हूँ कि हमें मिलता है साइज जो है 10x4x13.7 इंच का सिटिंग एंड। यहाँ से अगर आप बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक किचन मिलता है, किचन का साइज है 10x11 फीट और पीछे कुछ आपको वास के लिए 3 फीट का स्पेस मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ से हम अगर अंदर जाते हैं तो हमें टॉयलेट जो है जिसका साइज है 4.5x8.1 इंच, यहाँ पर हमने OTS दिए हैं, सनलाइट वगैरह के लिए OTS या डक्ट दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हम अगर यहाँ से देखते हैं तो हमें एक बेडरूम मिलता है जिसका साइज है फ्रेंड्स यहाँ पर 11x11.6 इंच और यहाँ पर टॉयलेट का साइज आपको मिलेगा 5x8.15 इंच। फ्रेंड्स, अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 12x4x10.3 इंच का है। अब हम यहाँ से कुछ बालकनी मिलती छोटी सी, उसके बाद यहाँ पर भी आपको बालकनी मिलती है, इनका साइज 3 फीट है। फ्रेंड्स, ये हो गया आपके लिए ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर प्लान, जिसमें आप देख सकते हैं पार्किंग, हॉल, रूम एंड ऑफिस। यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग, सिटिंग, किचन, बेडरूम और एक यहाँ पर बेडरूम। अब हम अगर इनके साइज की बात करें, इसका मैं आपको एलिवेशन भी दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा है। डोर की बात करें D, D1, D2, फ्रेंड्स इनका साइज है 3.5x7 फीट, 3x3.7 फीट और 2.5x6.5 फीट यानी कि 2x6 इंच। विंडो है 5x4 की लगाए हुए हैं हमने। अगर हम प्लॉट एरिया की बात करें 40x40 यानी कि 1600 स्क्वायर फीट में है और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का अगर हम बिल्टअप एरिया देखें तो 862 और 1261 मिलता है आपको। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की। तो आपका जो एलिवेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत ही, आप अगर सिंपल चाहते हैं कि 2D में ही हो जाए हमारा वर्क तो आप इस तरह से इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी विंडो आएगी और यहाँ से हमारा टावर गया हुआ है और बाकी डोर विंडो ये है सामने, पैरापिट आपकी, और यहाँ से कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। क्रॉस सेक्शन की बात करें तो कुछ इसमें खास नहीं है, यहाँ पर आपके
विंडो वगैरह आएगी और यहाँ से स्टेयर का टावर आएगा। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं यहाँ से सेकंड ड्राइंग की ओर। सेकंड ड्राइंग जो है इसमें हमारा यहाँ पर पोर्च है जिसका साइज है 10 फीट 9 इंच बाय 9 फीट। अब हमें यहाँ पर मिलता है वाइड ओपन 8 फीट 3 इंच का। यहाँ से फ्रेंड देखते हैं अगर आप ध्यान से तो आपको एक डोर मिलता है जो ड्राइंग रूम पे अपना ओपन होता है। ड्राइंग रूम का साइज़ है 12 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 6 इंच का। यहाँ पर हमें कुछ ओपन एरिया मिलता है। यहाँ से अगर हम इस डोर से अंदर होते हैं तो हमें डाइनिंग में मिलता है जाने के लिए जिसका साइज़ है 18 फीट बाय 10 फीट का। यहाँ से अगर फ्रेंड देखते हैं तो छोटे साइज़ के हिसाब से ये सब एडजस्ट किया गया है। यहाँ पर आपको साइज़ मिलता है कोर्ट यार्ड जिसका साइज़ है 7 फीट 9 इंच वाइड। फ्रेंड्स हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बाथ मिलता है जिसका साइज़ है 5 फीट बाय 8 फीट का। बीच पे आपको WC मिलती है जिसका साइज़ है 3 फीट बाय 5 फीट 3 इंच। और ये एक टॉयलेट है जिसको हम मास्टर बेडरूम से ओपन करेंगे इस टॉयलेट को। फ्रेंड्स यहाँ से हम जैसे देखते हैं तो ये डाइनिंग में बता चुका हूँ। यहाँ से हमारा डोर है जो अंदर की ओर ओपन होता है और यहाँ पर मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 13 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 9 इंच। जो डोर है आपका ये या फिर ये टॉयलेट में ओपन होता है 3 फीट 9 इंच बाय 8 फीट। यहाँ पर हमें एक किचन मिलता है जिसका साइज है 9 फीट बाय 12 फीट 9 इंच। पीछे 1.5 फीट छोड़ा गया है आप ये देख सकते हैं ध्यान से। और आपका सामने कुछ वाइट छोड़ा गया है उस हिसाब से हम अगर इस पोर्शन के कंस्ट्रक्शन की बात करें 30 फीट 3 इंच और यहाँ पर 1.5 फीट इधर साइड छोड़ा गया है सनलाइट के लिए। फ्रेंड्स अगर इसके हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो मैं बहुत सारी ड्राइंग में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। हम यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन देख लेते हैं कि कुछ इस तरीके से बन सकता है। बाकी डोर विंडो की डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है। इसकी फेसिंग इधर नॉर्थ है। इससे पहले जो ड्राइंग किया था उसकी आपको देख चुके होंगे फेसिंग, वो भी नॉर्थ फेसिंग था। अब हम बात करते हैं थर्ड ड्राइंग की यहाँ पर जो कि लास्ट है। फ्रेंड्स इसमें यहाँ से हमारा गेट होता है मेन जिसे हम पोर्च पे ओपन होगा। अब यहाँ से हमारी स्टेयर अप होती है और यहाँ से हमारी एंट्री होती है हॉल के लिए। फ्रेंड जो हॉल है हमारा इसका साइज है 13 फीट बाय 17 फीट 9 इंच का। अब हम यहाँ से हॉल से सीधे बेडरूम में जा सकते हैं। ये बेडरूम जो है इसका साइज है फ्रेंड्स 12 फीट बाय 12 फीट। यहाँ से हम अगर जैसे अंदर जाते हैं तो हमें सेकंड बेडरूम मिलता है जिसका साइज है फ्रेंड्स यहाँ पर 12 फीट बाय 12 फीट। यानी कि दो बेडरूम सेम साइज, अगर 2 BHK का बनाना है तो ये परफेक्ट प्लान है आपके लिए। फ्रेंड्स यहाँ से आप जैसे जाते हैं तो आपको एक क्लियरिंग स्पेस मिलता है 6 फीट 9 इंच बाय 8 फीट का। यहाँ पर आपको वाथ मिलता है 4 बाई 4.5 का और यहाँ पर D2 डोर के साथ आपको WC मिलता है। अगर हम इस बेडरूम से बात करें तो ये टॉयलेट रहेगा जिसका साइज है 4 फीट बाय 8 फीट। आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये मास्टर बेडरूम हो जाता है आपका। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी डाइनिंग रहेगी हॉल से जाते हैं हम। यहाँ से कुछ आर्च रहेगा और ये हमारा पूजा रूम रहेगा जिसका साइज रहेगा, इस पोर्शन में मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 8 फीट बाय 6 फीट का। और ये जो डाइनिंग है हमारे पास इसका साइज है 10 फीट बाय 8 फीट। और ये हमारा किचन जो कि बहुत ही छोटा है और परफेक्ट साइज है 8 फीट बाय 8 फीट का। फ्रेंड्स यहाँ से विंडो है, अगर हम इसकी पूरे प्लानिंग की बात करें तो ये 40 फीट बाय 40 फीट में हमने यहाँ पर कुछ 3.5 फीट सामने से छोड़े हैं। सनलाइट और विंडो वगैरह के हिसाब से बहुत सारे यूजेस हो जाते हैं, कुछ डिजाइंस वगैरह के लिए हमने इतना सामने छोड़े हुए हैं तो इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन पीछे कुछ छोड़ा गया है लगभग 1.5 फीट, साइड से कुछ छोड़ा गया है लगभग 2 से 2.5 फीट। इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन 36 बाय 35 में हुआ है। उसके बाद देखिए आपकी बहुत ही परफेक्ट हुआ है। फ्रेंड्स इसका ऑलरेडी आपको पता है क्रॉस सेक्शन, आप इसका एलिवेशन देख लीजिए। एलिवेशन कुछ इस तरीके से आप बनवा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके साइज की बात करूँ मैं तो बिल्टअप एरिया इसका टोटल 1095 यानी कि 1100 स्क्वायर फीट आप कह सकते हैं। बाकी आपको डोर विंडो की डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं इसको कि ये परफेक्ट साइज है और आपके हिसाब से ठीक रहेगा। फ्रेंड्स आई होप ये ड्राइंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।